सो हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस एनिमे हिंदी। जैसा कि तुम लोग थंबनेल और टाइटल देख के आए हो, आज थोड़ा हम लोग ना अलग बात करेंगे। और हाँ, आज मैं एक एनिमे मूवी का रिव्यू करूंगा, और मुझे जहाँ तक लगता है राइड योर वेव्स, ये जो इस मूवी का नाम है ना, ये तुमने शायद कहीं ना कहीं सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं यार, इस वीडियो को देखने के बाद तुम जो है इस मूवी को जरूर देखोगे, एक ना एक बार जरूर ट्राई करोगे। इसलिए वीडियो को जो है पूरा देखना, मैं एक ही बात बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पॉइलर फ्री है। तो आओ रिव्यू को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ना अपने कान में ईयरफोन डाल लो। राइड योर वेव्स, जिसका जैपनीज नेम होता है किमी तो नामे नी नोरे तारा, और ये बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है। और हाँ, मुझे जो है इसको बोलने में 10 टेक लेने पड़े, तब जा करके मैं ये प्रॉपरली बोल पाया। इस मूवी को डायरेक्ट किया है मिसाकी योसा सर ने, और हाँ, इनका नाम अगर मैं प्रॉपरली ना ले पाऊँ तो प्लीज़ यार माफ़ कर देना, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज़्यादा घटिया है, ठीक है। और हाँ, ये बहुत ही जाने माने डायरेक्टर है, और अगर तुम एक ओटाकू हो तो तुमने इनका नाम जरूर सुना होगा। जैसा कि इस मूवी का नाम है राइड योर वेव्स, जब तुम ये मूवी पूरा देख लोगे ना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसमें जो राइड योर वेव्स किसको रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही अगर हम इसके जो सॉन्ग्स है ना भाई, लाजवाब है। अगर मैं उनका सॉन्ग्स कहीं पर भी सुन लूँ ना, मुझे ये मतलब मुझे पता चल जाएगा, इसका सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, मुझे इसके हर एक सॉन्ग से जो है प्यार हो गया। जैसे इस मूवी का जैपनीज नेम है किमी तो नामे नी नोरे तारा, उसी तरह जो इसका जो मतलब एनिमेशन है ना, वो भी तुम्हें यूनिक देखने को मिलेगा, और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है। और जब तुम इसको देखोगे, मतलब जब ये तुम मूवी नहीं देख करके तुम सिर्फ इसका ट्रेलर देखोगे ना, तुम्हें इतना ज़्यादा खास नहीं लगेगा, लेकिन जब तुम ये मूवी देखोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका एनिमेशन ना ठीक बैठता है इस पे, एकदम सूट करता है, और तुम्हें हाँ इसके एनिमेशन से ज़रूर प्यार होगा। अगर मैं इसका स्टोरी बता दूँ ना, इस मूवी का पूरा स्पॉइलर हो सकते हो, इसलिए मैं थोड़ा भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। हाँ, जो चीज़ मतलब हल्का हल्का चीज़ मैं वो बताऊंगा, वो भी कैरेक्टर को बताने के साथ साथ। इस सीरीज की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है हिनाको, उसे ना सर्फिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और साथ ही उसे जो है ऑमलेट एंड राइस खाना भी, लेकिन इससे जो है खाना ठीक से बनता नहीं है। बट हाँ, इसमें जिस तरह से हमें ऑमलेट एंड राइस को दिखाया गया है ना, मेरे मुंह में पानी आ गया। और साथ ही मुझे जो हिनाको का जो एनिमेशन, जिस तरह से उसे बनाया गया है, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद आता है इस एनिमे मूवी का हीरो हिनागासी, यह कहे मिनाटो, और ये भैया ये भी लड़का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये एक फायर फाइटर है। अब इन दोनों को जो है किसी तरह से आपस में प्यार हो जाता है, और जैसा कि मैंने पहले बोला मैं कुछ नहीं बताने वाला, तो खुद देख लेना कि आखिर इन दोनों को किस तरह से प्यार होता है। और इस अगर एनिमे की अगर हम लोग जेनर की बात करें, वो आता है रोमांस प्लस फैंटेसी, तो यार फैंटेसी इसमें तुम्हें देखने को मिलेगा वो सेकेंड हाफ में। अगर हम इस मूवी के लंबाई की बात करें तो वो आता है 1.5 घंटे का, और सही में ये 1.5 घंटा ठीक बैठती है, ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है, तुम्हें कभी भी ये बोर नहीं लगेगी। और सही बताओ तुम इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। अब ना बहुत लोग इसे जो अपने वॉच लिस्ट में डाल देंगे, और ये बहुत ही गलत होगा इस मूवी के साथ। यार अपना 1.5 घंटा निकाल करके इस मूवी को आज या कल ही देख डालो, क्योंकि यार मैं एक चीज़ बोल दे रहा हूँ, तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा, सीरियसली मेरी बात मानो। तो यार अगर हम लोग इस मूवी के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें, तो इसमें मुझे हिनाको का कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा लगा, पूरे मूवी में मुझे वो पसंद आया। और साथ ही मैं एक बात बोलूँगा, अगर तुम इसे 35 से 40 मिनट देख लोगे ना, तुम्हें यह पसंद आने लग जाएगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ये मूवी एक अंडररेटेड मूवी है। अभी इसकी बहुत बड़ी वजह क्यों है, क्योंकि यार ये मूवी रिलीज हुई थी पिछले साल, और इस मूवी को जो है इंग्लिश डब भी नहीं किया गया अभी तक। और सही बताऊँ, ये इतना बड़ा अंडररेटेड इंडिया में भी है, क्योंकि यार तुम्हें पता है इंडिया में बहुत सारे ओटाकूज है और हमेशा इंटरनेट में घुसे रहते हैं, फिर भी बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि ये जो है पिछले साल रिलीज हुई थी, मैंने पहले भी बोला, और टेंकी नोको जो है पिछले साल आया था, और जब ये रिलीज हुई थी तो उस वक्त सब जो है टेंकी नोको को इंडिया में लाने में परेशान थे। अब यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, अभी तक इसे जो है किसी बड़े यूट्यूबर्स ने जो है रिव्यू नहीं किया, और इसीलिए जो है ये अभी तक इंडिया में अंडररेटेड है, और बहुत लोग इस मूवी के बारे में जानते नहीं। और हाँ, इसका नाम जो है मैंने पहले सुन रखा था, बट मैंने इसका एनिमेशन देख के देखने का प्लान नहीं बनाया था, बट फिर मैंने बोला यार चलो एक बार ट्राई करते हैं। और हाँ, सही बता रहा हूँ, ये मूवी जो है 100% जैसा कि मैंने पहले सोचा था उससे कई ज़्यादा बेहतर निकली, और ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो भाई लोग, आज के जो इस रिव्यू को यहीं पर एंड करते हैं, होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुम्हें जो है नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप,
जितने भी जहां पर भी है इस वीडियो को जो है शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।